बाराबंकी में प्रसिद्ध श्री कोटवा धाम के महंत श्री नीलेंद्र बॉक्स दास ने सौंपी 51,000 की चेक। कोरोना महामारी से निपटने के लिए महंतों ने किया योगदान। महंत नीलेंद्र बॉक्स दास ने भक्तों से की अपील, कहा सरकारी आदेशों का पालन करें, घर पर रहकर सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं व लॉकडाउन का पालन करें। उप जिलाधिकारी सिरौली गौसपुर प्रतिपाल सिंह चौहान के कार्यालय पहुंचकर सौंपा चेक और बताया आप सभी अपने घरों में रहकर जगजीवन दास साहब कोटवा धाम में न आकर आप सभी अपने घरों में रहकर कोटवा धाम साहब को गुणगान करें, जिससे इस समय आप सभी पर जगजीवन साहब की दया बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें, लॉकडाउन का पालन करते रहें, यह हमारा कर्तव्य है। इसमें आप सभी अपने घरों पर रहकर सहयोग करें। जो आपने आज यहाँ पे सहायता की है कोरोना वायरस को लेके, तो क्या है पूरी चीज और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे पूरे भारतवर्ष में कोरोना वायरस इस समय फैला हुआ है। आपने देखा है कि तमाम लोग मर रहे हैं पूरे विश्व में, ये विश्व की त्रासदी है। हम यही अपील करना चाहेंगे, आज हमारे पास जो भी था, हम लोगों ने 51,000 का जो है सहयोग दिया है, जो बन पड़ा है, हम सबसे यही अपील करेंगे कि सब लोग अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कारण यह है कि अगर हम लोग इस तरह निकलते रहेंगे तो पता नहीं कौन सा सस्पेक्टेड व्यक्ति है जो मिलेगा, और उससे हमको या हमारे परिवार को या हमारे समाज को जो है ये बीमारी फैलेगी। इसलिए सभी लोग अपने घर में रहें। हम लोगों के यहाँ कोटवा धाम के हम सभी लोग जो है एक परिवार के, महान परिवार के हैं। हम लोग अपने भक्तों से भी अपील किए हैं कि आप यहाँ मत आइए, वहीं अपने स्वामी जगजीवन साहब का अपने घर में ध्यान कीजिए और लोगों से दूरी बना के रखिए। समय बीत जाएगा और फिर भारत जो है स्वस्थ होकर के वो रहेगा, हम और सभी लोग सुखी रहें, ये हम मंगल कामना करते हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 8445657566।